जो आपने माइनस किया है, तो
यहाँ पे 2 ईयर्स का प्रॉफिट था और 1 ईयर का लॉस था, तो टोटल ईयर्स हमारे कितने थे? 3। तो एवरेज प्रॉफिट में जो हमारा यहाँ पे बैलेंस आया है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमारे 3 ईयर्स थे, ये हमारा निकल आया एवरेज प्रॉफिट 9,000। अब इस 9,000 को हमें गुडविल निकालना है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1:1/2, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 3/2। तो 9,000 का 3/2 निकालेंगे तो हमारी गुडविल आती है 13,500। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारे 3 सालों की गुडविल है। इसी तरीके से आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जितने साल का आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उतने ईयर नंबर ऑफ परचेज से आप उससे मल्टीप्लाई करके आप इजिली अपनी गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले सारे प्रॉफिट्स को जोड़ लीजिए, उसमें से लॉस को माइनस कर दीजिए, लॉस को माइनस करने के बाद जो आपका बचेगा उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर से, और फिर उसके बाद गुडविल निकालने के लिए जो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका निकल आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल का कैलकुलेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम मेथड निकालते हैं वो हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा हमारा आता है नेक्स्ट? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आप कहेंगे एवरेज प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट अर्निंग इसका अल्टीमेट एम ऑफ एवरी बिजनेस फर्म। नॉर्मल प्रॉफिट इज जनरली अर्न बाय ऑल फर्म, बट द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म डिटरमाइंस इट्स सुपीरियरिटी एंड एक्सीलेंस। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज अ सुपर प्रॉफिट। जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आता है वही आपका सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है। This super profit may be assumed to be goodwill or it may be certain number of times of super profit. उसको आप super profit भी assume कर सकते हैं या number of times से आप उसका super profit निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है आपका। सिंपल सी बात है, उसने कहा है कि हमें अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट जैसे आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपने जैसे इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वैसे ही आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उस एवरेज प्रॉफिट में आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है उसको माइनस करेंगे, तो जो भी आपका एक्सेस बैलेंस बचेगा वो आपका सुपर प्रॉफिट होगा, और उस सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स वेयर इट फॉलोज। 5 ईयर का प्रॉफिट इसमें दिया है। ठीक है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये है आपका। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है
कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या आपकी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जीरो इससे रिलेटेड।
जितने भी क्वेश्चन पीछे आपके प्रैक्टिकल में दिए गए हैं सभी लोग ट्राई कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।